आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक चीज देखना कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये इंजीनियरिंग वाले तो मैथ्स में पढ़ेंगे और नीट वालों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उतना सफिशिएंट है। ठीक, तो क्या होता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ उसके फॉर्मूले और कुछ उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है ये मैथ्स में तुम डिटेल में पढ़ लोगे और नीट के स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है नहीं करोगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। डी बाई डी एक्स ऐसे बोलेंगे इसको, और सम फंक्शन ऑफ एक्स ये कह लो, या डी बाई डी वाई, फिर फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ध्यान से देखना, और डी बाई डी टी, फंक्शन ऑफ टी हो सकता है, या डी बाई डी थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा हो सकता है, इस टाइप से। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना सिंबल क्या होता है, जो है ये हो गया कह लोगे। अब चलते हैं दूसरी बात। अब बस मैं एक फॉर्मूले की लिस्ट दे रहा हूं तुम्हें, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। सबसे पहला, अगर मान लो d बाई, मैं केवल इससे समझा दे रहा हूं, ये वाले से समझा दे रहा हूं, बाकी सब में एक जैसी लगेगा। फिर d बाई डी एक्स किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो आता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो d बाई डी एक्स ऑफ फाइव कम, तो वो जीरो आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ पाई कहूं तो वो जीरो आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ ई कहूं तो वो जीरो आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, n x की पावर n माइनस वन होता है, ये वाला फॉर्मूला काफी वो होता है, ये ध्यान रखना। इससे फिर मैं देखो कई रिजल्ट निकल रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। जो है d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं x कहूं तो वो 1 आएगा। देखो कैसे, देखो x की पावर 1 है ना, मतलब पावर पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, x की पावर 1 है देखो, तो इसका मतलब 1 ये आएगा और x की पावर 0 हो जाएगा। तो जरा देखना ये 1 आएगा, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ बेटा, इसमें किसमें कोई डाउट है किसी को? d बाई डी एक्स ऑफ x, ठीक, वो 1 आएगा क्योंकि x की पावर 1 है, तो 1 पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ये कह लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना यहीं पे ना, d बाई डी एक्स अगर मान लो 5x हो तो फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 पहले ले लो, 5 d बाई डी एक्स ऑफ x आ गया,
और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो इसका आंसर 5 आ गया। आई थिंक समझ में आ गया हो, ये कह लो इसी टाइप से। अगर तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो देखो पावर पहले आ जाएगी, हाँ पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम आ जाएगी, तो इसका मतलब ये 2x हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है? पावर पहले आ गई और एक पावर कम हो गई, क्यों? एक पावर कम हो गई तो ये 2x आ गया। इसी टाइप से मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे 3x² करना है मान लो, तो बस सीधे आप क्या करो, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर चला जाएगा ना, ये ऐसे हो गया, देखो ये इधर हो गया, ठीक है, 6 और एक पावर कम हो गई तो 6x आ गया, बस हो गया, ये कह लो। इसी टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो तुम्हें 5x² करना है तो वही पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी तो 10x आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और एक फॉर्मूला और दे दे रहा हूं, उसी तरीके से बढ़ाते रहना, बस हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो तुम्हें x³ करना होता तो मैंने तुमसे कहा पावर पहले आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, क्यों? तो ये 3x² हो गया। तो दो फॉर्मूले पड़े हैं अभी तक हमने, ये ध्यान रखना, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये हो गया डी बाई डी एक्स। अब सीधे सीधे फॉर्मूले देखते रहो। टी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कहीं पे साइन एक्स हो तो वो कॉस एक्स हो जाएगा। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर कॉस एक्स हो तो वो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर सिर्फ ई की पावर एक्स हो तो फिर वो ई की पावर एक्स ही रहता है, बस हो गया, ठीक है, ई की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, वो sec²x होता है। सेवंथ, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x, वो cot²x होता है, सॉरी cosec²x माइनस cosec²x। माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एट्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, उस सेक एक्स 10x होता है। उन्हें को ये फॉर्मूले फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। नाइन्थ, टी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, वो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला, और बस केवल 10 फॉर्मूले हमें फिजिक्स में चाहिए होंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ, एक लॉग होता है ना, अभी हमने पढ़ा नहीं है बेटा, जो है लॉग ई बेस एक्स, ठीक है, लॉग ई बेस एक्स, इसको कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं, लॉग ई बेस एक्स को एल एन एक्स भी बोलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, ये 1/x होता है। बस केवल इतने फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। एक बार दोबारा देख लो,
कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट हो तो जीरो, सिंगल कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, कांस्टेंट एलोन लिख दे रहा हूं। अब तुम कहोगे ना कांस्टेंट एलोन क्यों लिखा, एक्चुअल में क्या था ना, यहां पे भी तो तुम देखो, यहां पे ये भी तो कांस्टेंट था, तुम कह देते सर इसका तो जीरो हो जाएगा फिर, जो है समझ में आ रही बात जो है, ठीक है। लेकिन वो अकेला नहीं है ना, अकेला नहीं है, उसके साथ एक्स भी है। मेरे ख्याल से पॉइंट समझ में आ रहा है क्या क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर अकेला कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो होगा, लेकिन अगर वो किसी फंक्शन के साथ आ रहा है एक्स के, तो फिर वो जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लो, अकेला कॉन्स्टेंट है तो उसका जीरो, एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और वहीं से मैंने आपको बताया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वो वन होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होगा, एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर होगा, एंड सो ऑन। उसके बाद सिंपल फॉर्मूले थे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और लॉग ई बेस एक्स उसको एल एन एक्स भी कहेंगे हम कई बार, वो वन बाई एक्स हो गया, बस हो गया। पहले इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल। मान लो तुमने ना वाई एक इक्वेशन दे रखी है सिक्स अपॉन रूट एक्स माइनस फाइव रूट एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर फाइव बाई टू, अब सेकंड पॉइंट कौन सा था बेटा, ये वाला, दिस ये वाला कह रहा है, हाँ। तो मैं कह रहा हूं एक्स की पावर एन का अगर निकालना है तो पावर पहले ले लो, एन हो गया, और एक पावर कम कर दो, बस हो गया, एन माइनस वन हो गया। अब जैसे तू ये देख, जैसे ये था बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स था, तो ये एक्स की वन पावर थी कि नहीं थी बता, ये बता, इसमें एक्स की वन पावर थी ना, तो वन पहले आ गई और एक पावर कम हो गई, देख तो वन इंटू एक्स की पावर जीरो आ गया, और x की पावर जीरो तू जानता होगा वन ही होता है जो है, तो वन आ गया, बस हो गया जो है, ये कह लो। सिंपल सा ये है कि पावर पहले आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, फिर एक्स स्क्वायर का टू एक्स हो जाएगा, उसी टाइप से देख, ये देख लेना यहाँ पावर ये इधर चली गई, देखिए ये इधर चले गया और एक पावर कम हो गई, उसी टाइप से देख ये इधर चला गया और एक पावर कम हो गई। अब बता बेटा जो है एनडी, अब बताओ बेटा जो है, अब समझ में आया कि नहीं आया, पावर पहले चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, हाँ। तो इसमें भी तू देख ले, ले इधर देख, ये इसमें देख ले, ले ये पावर इधर चली गई, तो 5 इंटू टू कितना हो गया, 10 हो गया ना, इधर देख 5 इंटू टू 10 हो गया, एक पावर कम हो गई, अब बता, अब बता, अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया, वो पहले चलेगी, एक पावर कम हो गई, बस हो गया जो है, ठीक। अभी ऐसे एग्जांपल कर रहे हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा, देख ले। ये है प्लस टू ई की पावर एक्स है प्लस पाई है, और तुम्हें डीवाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ऐसे बोलेगा ना, डीवाई बाई डी एक्स भी कह सकता है, बट ये ध्यान रखना जो है। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसको कहूंगा क्या, हमें डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, इसको ऐसे कहूंगा डिफरेंशिएट वाई, डिफरेंशिएट वाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे बोलेंगे इसको, समझ में आ गया, डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस टाइप से बोलेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, देखो y इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो y इक्वल टू सिक्स, x की पावर माइनस हाफ, देखो माइनस फाइव,
एक्स की पावर हाफ, हाँ ये ठीक है बेटा, प्लस थ्री एक्स की पावर 5/2 और प्लस 2 ex प्लस 5। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म तो समझ में आ गई होगी ना, क्या है बेटा जो है ये हो गया। अब मैं dy बाई dx निकाल रहा हूँ, बस हो गया, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। dy बाई dx इक्वल टू, देखो ये माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा जो है माइनस हाफ यहाँ आ जाएगा, तो ये -3 रह जाएगा मल्टीप्लाई जब होगा, और एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर -3/2 हो जाएगा। बताओ ये समझ में आई बात नहीं आई बेटा, ये तब जो है पावर पहली चली गई और एक पावर कम हो गई, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा। पावर पहले चली गई, एक पावर कम हो गई। अब इधर भी देखो पावर इधर चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब -5/2 और एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स की पावर -1/2 हो जाएगा। क्यों? ये हो गया। अब फिर से पावर इधर चली गई, तो इसका मतलब +15/2, एक पावर कम होगी, एक्स की पावर 3/2 हो गई। ये हो गया। और ई की पावर एक्स का तुम जानते हो, ई की पावर एक्स ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, तो इसका मतलब +2 e की पावर x। और पाई एक कांस्टेंट है जो अकेला है, नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है जो अकेला है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। क्यों? ये 0 आ जाएगा, ऐसे कह लो। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिख दूं तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा -3/(x)^3/2, ऐसे लिख सकते हो, वो तुम्हारे उसमें नहीं है बेटा, वो उज्जवल हमारे उसमें नहीं है बेटा जो है उसका होता, ठीक है ना, वो हमारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा उसका। तो ये आ गया बताओ -3/(x)^3/2, ये हो गया। और इसको दूसरे वाले को क्या लिख सकता हूं, देखो -5/(2√x) +15/2 x^(3/2) +2 e की पावर x। बताओ ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ, बताओ बेटा इसमें। उज्जवल क्या पूछ रहा था सुन लो, उज्जवल ये पूछ रहा था ना, ये पूछ रहा था कि d/dx(π)/x ये कितना होगा, तो इसका मतलब एक तरीके से ये पूछ रहा था कि d/dx(किसी कांस्टेंट की पावर x) समझ गए ना, ये एक तरीके से ये पूछ रहा था, तो ये फॉर्मूला हमारे उसमें नहीं है फिर जो है, फिजिक्स में रिक्वायर्ड नहीं है, तो छोड़ दे उसके कोई, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, वो मैथ्स में तो तुम बहुत डिटेल में पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, तो मैथ्स में y = मान लो 6 sin θ -2 tan θ प्लस e है, और तुमसे कहता है फाइंड dy/dθ। इसका मतलब एक तरीके से हुआ क्या बताओ जो है, इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ कि तुम्हें y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों? इसका ये मतलब हुआ ना, y को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर डिफ्रेंशिएट y, डिफरेंशिएट वाई विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो dy/dθ कितना होगा, साइन थीटा को मैंने कॉस थीटा बोल दिया, क्यों नहीं, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा बोल दिया, तो इसका मतलब ये 6 cos θ हो गया। हाँ,
और टेन स्क्वायर थीटा का मैंने सेक स्क्वायर थीटा बोला था, क्यों टेन स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा बोला था, तो इसका मतलब माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा। और ई एक कॉन्स्टेंट है, अकेला कॉन्स्टेंट है, क्यों ई एक अकेला कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब प्लस जीरो आ गया, तो बस ये हो गया आंसर इसका, सिक्स कॉस थीटा माइनस टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल से बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करने फॉर्मूले। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूज फिर लास्ट में करेंगे हाँ उसके। सबसे पहला, अगर मान लो कोई लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या है, देखो 2x-6, ये पहले भी किया था ना तुम्हें याद होगा, 6x e की पावर 6x-8 साइन की पावर -4x +5। अब बताओ लीनियर फंक्शन समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं, ये बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा, जो है बताओ जो है। हाँ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ जो है। 2x-6 हो, 6x हो, e की पावर 6x-8 हो, साइन -4x +5 हो, एंड सो ऑन कह लो। तो तुम्हें क्या करना है इसमें, क्या करना है कि जो x का कोफिशियंट होगा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो और नॉर्मल डिफरेंशिएट कर दो। ठीक, इसका मैं रिजल्ट देख रहा हूं, फिर एग्जांपल से समझ में आ जाएगा रिजल्ट क्या है। देखो मल्टीप्लाई विद, मल्टीप्लाई विद कोफिशियंट ऑफ एक्स, कोफिशियंट ऑफ एक्स एंड नॉर्मल डिफरेंशिएशन। इस पॉइंट को याद रखना, अगर तुम्हें कहीं भी लीनियर फंक्शन दिखाई दे तो एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर तुम्हें नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है। एग्जाम्पल देखो तब क्लियर होगा तुम्हें। देखो मान लो तुम्हें d/dx ऑफ √4x+6 निकालना है, मान लो ध्यान से देखना ये हो गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, d/dx ऑफ 4x+6 इसकी पावर हाफ। बताओ ये क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ जो है। d/dx ऑफ 4x+6 की पावर हाफ कर सकता हूं। अब देखो तुम्हें 4x+6 ये लीनियर फंक्शन दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, बताओ ये लीनियर फंक्शन दिख रहा था ना, तो मैंने तुमसे कहा था x के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, हो गया। और फिर जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे वही कर दो, जैसे ये पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब 1/2 4x+6 इसकी पावर -1/2। बताओ समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। x के कोफिशियंट से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, x के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई किया हमने और एक पावर कम कर दी। अब जरा बताओ इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता था, बताओ इसको लिख सकता था 2/√ 4x+6 हो गया, बस हो गया ये आ गया। देखो समझ में आ गया, मतलब 2/√4x+6 ये आ गया जो है। एक आध और एग्जांपल देते हैं तब क्लियर हो जाएगा। तो
जैसे मान लो मेरे को डी बाई डी थीटा साइन माइनस 5 थीटा प्लस 6 करना है। तो देखो ये भी तुम्हें लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा। अब इसमें थीटा का जो कोफिशियंट है -5 है, वो कर दोगे और फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे साइन की जगह कॉस हो जाता है बस। हो क्यों साइन की जगह कॉस हो जाता है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा बताओ, -5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कॉस -5 प्लस थीटा। समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ, जो समझ में आ रही बात नहीं आ रही बताओ, जो है क्या करना है जो है। ठीक एक और देखो, अगर मान लो तुम्हें d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर -8x -4 करना है, तो ये भी तुम्हें लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा। नहीं है बताओ, लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा, तो x का कोफिशियंट क्या हो गया, -8 से मल्टीप्लाई होगा। x का कोफिशियंट -8 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -8 और e की पावर x का, फिर e की पावर x ही रहता है। क्यों e की पावर x का, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर -8x -4 आ गया। उज्जवल बता, समझ में आई तेरी बात, नहीं आई बेटा बता, समझ में आ गई। ठीक एक और एग्जांपल करते हैं, फिर अगले वाले पे चलते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ln, ln का मतलब log e बेस होता है, ध्यान रखना। 2x प्लस 4 करना है मान लो, तो 2x प्लस 4 भी तुम्हें लीनियर फंक्शन दिख रहा होगा और x का कोफिशियंट 2 दिख रहा होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों ये हो गया 2 और ln x का मैंने तुम्हें 1 बाई एक्स दिया हुआ है। क्यों 1 बाई एक्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2x प्लस 4 ये हो गया। इसको वैसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, डिनोमिनेटर को 2 से फिर डिवाइड कर सकते थे, तो ये अल्टीमेटली तुम्हारा कुछ ऐसे आ जाता, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 आ जाता। क्यों हाँ ये आ जाता बस। तो मेरे ख्याल से पहला वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक अब चलते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको चेन रूल कहते हैं। और इसके आगे बस ये लिख दो कि कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग एंड मल्टीप्लाइंग। एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा तुम्हें, वैसे नहीं समझ में आएगा। जैसे ना मान लो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर निकालना है। अब देखो क्या है, मैंने ई की पावर एक्स का फॉर्मूला दिया है तुम्हें, ई की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं दिया है, समझे ना, ई की पावर एक्स का दिया है, ई की पावर एक्स स्क्वायर का नहीं दिया है। तो तुम पहले नॉर्मल कर दो, जैसे e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x स्क्वायर होगा। लेकिन अब वो x x की जगह x स्क्वायर था, तो उसको भी डिफरेंशिएट करोगे फिर जो है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं बेटा, जो है e की पावर x का जो होता था वो e की पावर x ही होता था, पहले हमने वही कर दिया,
अब लेकिन वो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था, तो तुम एक्स स्क्वायर को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 2x हो जाएगा, बस हो गया 2x हो गया। तो ये जरा देखो फाइनली आंसर कितना गया, 2x ई एक्स स्क्वायर हो गया। ये समझ में आई बात नहीं आई बेटा? बताओ जो चेन रूल का मतलब क्या है, कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग एंड मल्टीप्लाइंग जब तक आप लास्ट उसमें नहीं पहुंच जाते, ये कह लो। जो एक आध और एग्जांपल देता हूं तब तुम्हें और क्लियर होगा। मान लो तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एल एन एक्स निकालना है। अब देखो साइन का मैंने तुम्हें कॉस दिया हुआ है, पहले तो वो कर लो, साइन का कॉस हो गया तो कॉस एल एन एक्स हो गया, लेकिन वो एक्स की जगह यहां पे एल एन एक्स था, समझ गए ना, एक्स की जगह एल एन एक्स था तो उसको भी डिफरेंस करना पड़ेगा, और एल एन एक्स का तुम जानते हो 1/x होता है, तो इसका मतलब इंटू 1/x और आ जाएगा, बस हो गया, ये कह लो। तो फाइनल आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, कॉस एल एन एक्स इसका पूरा डिवाइडेड बाई एक्स। समझ में आई या नहीं आई बेटा बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ जो है। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं फिर, ये भी मेरे ख्याल से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर माइनस एक्स क्यूब कर देता हूं, लो कितना कर देता हूं। अब देखो कॉस का माइनस साइन होता था, सबसे पहले ये देखो कॉस का माइनस साइन होता था, क्यों कॉस का माइनस साइन होता था, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस साइन ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, एक तो ये आ गया पहले। अब सुनो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, नहीं है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसका मतलब e की पावर माइनस एक्स क्यूब हो गया, और एक अभी और लास्ट में और रहता है, माइनस एक्स क्यूब का कितना होगा, देखो माइनस एक्स क्यूब का कितना होगा, ये इधर चला जाएगा, ध्यान रखना बेटा जो है इधर चला जाएगा, तो -3 और एक पावर कम हो जाएगी एक्स स्क्वायर। बताओ पूरा समझ में आया कि नहीं आया विश्वजीत, बता बेटा समझ में आया कि नहीं आया। कॉस का पहले माइनस साइन किया तूने, फिर e की पावर माइनस एक्स क्यूब का वही किया, और फिर लास्ट में माइनस एक्स क्यूब को और फिर डिफरेंशिएट किया, तो कितना आया, तो फाइनली इसको थोड़ा डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई करके क्या कर सकता हूँ, देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये 3x² e की पावर माइनस एक्स क्यूब साइन e की पावर माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया देखो। हाँ जब तक फाइनल वो ना आ जाए तब तक मैं करते रहना, वो अपने आप तेरे को प्रैक्टिस से पता चल जाएगा फिर, ठीक है, प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाएगा, एक और कर ले तब समझ में आ जाएगा। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ई की पावर एक्स फोर आया है मान लो। अब देखो टेन का मैंने पहले सबसे पहले सेक स्क्वायर बोला है, क्यों टेन का सेक स्क्वायर बोला है, तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर फोर, एक तो ये आ गया, उसके बाद ई की पावर एक्स का मैंने ई की पावर एक्स ही बोला है, क्यों ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही बोला, तो ई की पावर एक्स की पावर फोर आ गया लास्ट में। एक्स की पावर फोर का क्या होगा, पावर पहली चली जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी,
इंटू फोर एक्स की पावर 3, ये हो जाएगा बस। अब समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से चेन रूल भी समझ में आ गया होगा तुम्हें। ठीक, अब चलते हैं तीसरा पॉइंट। प्रोडक्ट रूल, मान लो आप दो फंक्शंस का मिक्सचर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स, तो इसको तुम क्या करोगे ना, सबसे पहले एफ वन एक्स को एज इट इज लिख दो बेटा, इंटू दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स, प्लस अब एफ टू एक्स को एज इट इज रख दो और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, बस हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स, ये हो गया। बताओ समझ में आया नहीं आया? पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज रखो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो, बस हो गया, ये कर लीजिए। ठीक, एग्जांपल देखोगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मान लो मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स निकालना है, सीधे ही कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, पहले साइन एक्स को एज इट इज रखा, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, समझ गए ना, साइन एक्स को एज इट इज रखा, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, तो ये ई की पावर एक्स रह गया, प्लस अब ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो ई की पावर एक्स, सॉरी e की पावर x को एज इट इज रखा, साइन x को डिफरेंशिएट करो, और साइन x को होता है cos x होता है। बताओ समझ में आई बात बेटा, नहीं आई बताओ बेटा, ये हो गया। अब इसमें तुम्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिख रहा होगा, e की पावर x कॉमन दिख रहा होगा, क्यों e की पावर x कॉमन दिख रहा होगा, तो ये साइन x प्लस cos x हो जाएगा, ये कर। एक और देखो, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ फोर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब, ये कर दे रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, फोर तो चलो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ो, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट में। अब मैंने सबसे पहले कॉस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, और ई की पावर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ई की पावर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, लेकिन उसमें चेन रूल लगेगा बेटा, ध्यान रखना उसमें चेन रूल लगेगा। तो वो क्या हुआ देखो, ये हुआ e की पावर x क्यूब होगा पहले, हाँ, और फिर x क्यूब का कितना आएगा, x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, ये बताओ। cos x स्क्वायर को मैंने पहले एज इट इज रखा और e की पावर x क्यूब को मैंने डिफ्रेंशिएट किया, ये कह लो। अब क्या करना है, e की पावर x क्यूब को एज इट इज रख दो, और cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो cos का माइनस साइन होता है, ध्यान रखना बेटा, जो है माइनस साइन होता है, तो ये हो गया माइनस साइन x स्क्वायर, लेकिन फिर तुम्हें x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
तो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x और आ जाएगा, ये हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट रूल समझ में आया कि नहीं आया। पहले फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस फिर दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखा और पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, ये हो गया, प्रोडक्ट रूल ये आ गया। अब चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है मेरे ख्याल से ना, डिविजन रूल। हाँ कांस्टेंट से तो बाहर मल्टीप्लाई, अकेला कांस्टेंट होता है लेकिन उसका जीरो आ जाएगा, ध्यान रखना बेटा। वही मैंने पहले नहीं बता दिया था कि अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, और किसी फंक्शन के साथ में है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हो गया। ठीक, डिवीजन रूल। मान लो तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स अपॉन एफ टू एक्स करना है। इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स कर दो, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट रखो और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स। अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है, होल डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर फंक्शन है उस पूरे फंक्शन को स्क्वायर कर दो, एफ टू एक्स इस पूरे फंक्शन का स्क्वायर करना है। एक दो बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो भी फंक्शन है उस पूरे फंक्शन का स्क्वायर करो। फॉर्मूला समझ में आ गया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं सुनो। डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर जो भी है उस फंक्शन का स्क्वायर। फॉर्मूला समझ में आ गया ना जो बोला है मैंने बेटा, ये बताओ फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं, आगे बताओ जो है जो बोला है। अब एग्जाम्पल देखो तब थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे मान लो मुझे d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स निकालना होता, तो ये एक तरीके से d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता। बताओ ये तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता था। अब क्या किया देखो, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, और न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स, और उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। माइनस अब मैंने कहा था न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, साइन एक्स, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो ये माइनस साइन एक्स हो गया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, ये कहा था डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, तो ये बताओ ये कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ ऐसे कर दूं, पहले ही बताओ बेटा जो है, ये समझ में आया? ठीक, अब आप देखो कॉस इस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया,
और माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और तुम्हें याद होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, क्यों वो 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये। और तुम्हें याद भी होगा ना टेन एक्स का मैंने क्या बोला था, सेक स्क्वायर एक्स बोला था कि नहीं बोला था बेटा बताओ, ये था कह। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। अगर मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ 4e की पावर x अपॉन एल एक्स एल एन एक्स निकालना होता, तो विश्वनाथ देख बेटा, विश्वजीत सॉरी, 4 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज अकेला नहीं है ना, 4 अकेला होता तो 0 हो जाता फिर, तो क्यों 4 तो खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं, बस हो गया 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, एल एन एक्स ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, प्लस ई की पावर एक्स को एज इट इज रखो, एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो वो 1 अपॉन x आता है, क्यों 1 अपॉन x आता है, और होल डिवाइडेड बाई एल एन एक्स इसका स्क्वायर होगा, नहीं माइनस कहां पे आएगा इसमें, अच्छा सॉरी 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 माइनस। अब समझ में आ गया बेटा बताओ जो है, अब समझ में आ गया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट किया, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखा और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर कह लो जो है, और सिंस 4 अकेला नहीं है, 4 अकेला नहीं है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया ऐसे कह लो। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा, डिवीजन फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। अगर मान लो मैं तुम्हें ना कभी ऐसे दे दूं, डी बाई डी टी करना है लेकिन एक्स स्क्वायर करना है, अब फंस गए तुम, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो मैं जानता हूं, ये नहीं जानता डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो बेटा जो है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लेते हैं इंटू dx बाई डी टी, बताओ क्लियर है कि नहीं है, अब जरा देखना बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। मुझे मान लो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर करना था, तो सबसे पहले मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करूंगा इंटू डी एक्स बाई डी टी करूंगा, क्यों इंटू डी एक्स बाई डी टी करूंगा, अब जरा बताओ इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, इसका 2x हो जाएगा ना, ये ऐसे आ जाएगा क्यों, हाँ तो ये आ गया 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, अभी तुम टाइमिंग डी एक्स बाई डी टी को भूल जाओ, वो बाद में तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि ये डी एक्स बाई डी टी फिर आगे चल के क्या बनेगा बेटा जी, ठीक है, हाँ वो तब बनेगा जब एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जब एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा तब बनेगा बेटा जी, ठीक, तो टाइमिंग इसको भूल जाओ तुम, टाइमिंग फॉरगेट दिस, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे बाद में अपने आप समझ में आता चला जाएगा वो क्या करना है बेटा। सपोज करो मुझे डी बाई डी वाई
e की पावर t करना होता मान, ठीक है, d बाई डी वाई ई की पावर टी करना होता तो क्या होता? देखो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता, डी बाई डी टी ई की पावर टी इंटू डी टी अपॉन डी वाई कर देता। क्यों, समझ में आया बेटा? ये बताओ जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, बताओ जो है। ठीक, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर ही सकता हूं। e की पावर t का e की पावर t ही होगा, तो ये e की पावर t इंटू डी टी अपॉन डी वाई हो जाएगा। और अगेन मैंने तुमसे कहा अभी कुछ समय के लिए तुम डी टी अपॉन डी वाई को भूल जाओ, ये क्या चीज है। तो ये जितना हमने पढ़ा है इससे फिजिक्स में जितने डिफ्रेंसिएशन है वो हमारे सारे हो जाएंगे, समझ गए ना? फिजिक्स में हमारे जितने भी डिफरेंशिएशन है वो सारे के सारे इससे हो जाएंगे। अब चलते हैं इनके एप्लीकेशंस पे। कौन सा वाला एग्जांपल क्लियर नहीं है? कौन सा वाला? ये वाला कह रहा तू? यार बेटा एक बात बता, e की पावर t को मैं डिफरेंशिएट तभी कर सकता था जब यहां पे dt होता, जब यहां पे dt होता तभी मैं डिफरेंशिएट कर सकता था, तो मैंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब तू ये देख, dt और dt कैंसिल हो गया, वही चीज तो रह गई है। देख d बाई डी वाई ऑफ e की पावर t रह गया कि नहीं रह गया, ये बता बेटा पहले, ये बता। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, देख d बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैं तभी डिफ्रेंशिएट करूंगा जब नीचे d थीटा आएगा, नीचे d थीटा आएगा, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं देख, d बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा कर रहा हूं, लेकिन मैं नीचे d थीटा जबरदस्ती लाया हूं, तो इसका मतलब क्या करूंगा, इंटू डी थीटा और अभी डी एक्स रह गया था नीचे। अब ये बता, ये समझ में आई बात नहीं आई? बता बेचू जी, ये बता ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता बेटा जी। ठीक, अब सिंपल है, बस हो गया, साइन थीटा इधर है, डी थीटा इधर है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा। क्यों, इसका डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, लिख दे बस, हो गया। ये कहते बता दे, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ता जो है, बता तेरे को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल दे बेटा जो है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है विश्वजीत तो बता दे बेटा, नहीं है ना? अब चलते हैं एप्लीकेशंस में। फर्स्ट एप्लीकेशन, मान लो कोई वेरिएबल ना x है बेटा, और मैं x में चेंज देखना चाहता हूं, चेंज इन x। और बाकी मैंने तुम्हें बताया ना, कई चीजें तुम मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वाले, मेडिकल वालों को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक, अगर चेंज इन एक्स देखता हूं, तो अगर मैं बहुत छोटा चेंज लेता हूं बेटा जो है, वेरी स्मॉल चेंज, तो उसको हम डी एक्स कहते हैं, असल में समझ रहे, डी एक्स का मतलब ये होता है एक्स में बहुत छोटा चेंज बेटा जो है। ठीक, और अगर बड़ा चेंज है, लार्ज चेंज, तो फिर हम उसको डेल्टा एक्स दिखा देते हैं। ठीक है ना, बड़े चेंज को हम डेल्टा एक्स दिखा देते हैं। और चेंज जब भी पूछा होता ना, तो फाइनल एक्स की फाइनल वैल्यू
माइनस एक्स की इनिशियल वैल्यू, ये आंसर देना। थोड़ा बहुत समझ में आई बात, नहीं आई बेटा ये बताओ। एक कोई एक्स वेरिएबल है ठीक है, और तुम उसमें चेंज देख रहे हो, अगर बहुत छोटा चेंज है, बहुत ही छोटा चेंज, तो उसको हम डीएक्स से दिखा देते हैं, और अगर एक बड़ा चेंज चाहिए ठीक, तो फिर तुम उसको डेल्टा एक्स से दिखा देते हो। और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है, एक तो ये होता है ठीक। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, तुम्हें मजा आ जाएगा बेटा, जो है दूसरा एग्जाम्पल देखो तब तुम्हें क्लियर हो जाएगी बात। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मान लो, ये मैं आगे चल के बहुत यूज करूंगा जो लिखने जा रहा हूं बेटा, जो है मैंने तेरे से कहा ना कि मैथ्स में पढ़ोगे बेटा, जो है इसको कई चीजें कुछ हो सकता है, तुम मैथ्स में पढ़ो जो है, समझ गए ना, कुछ चीजें मैथ्स में पढ़ो। अब देखो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये बताओ dy बाई dx 2x² होता, dy बाई dx 2x² होता ठीक। इसका मतलब जो dy है इसको अगर तुमने समझ लिया तो बस तुम समझ लो काफी हद तक तुम्हें पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, जो है 2x² इंटू, सॉरी मेरे से ऐसे ना लिखते समय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, वो कर लिया करो इसको, मेरे को बता दिया करो, ये हो गया 2x इंटू dx हो गया। अब ध्यान से देखना है बेटा इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये रिलेशन था और जब मैं x की वैल्यू पे था, मैंने उसमें थोड़ा सा dx का चेंज किया, तो मुझे y में इतने का चेंज मिलेगा। दो तीन बार कह रहा हूं तब समझ में आएगा बेटा, जो है देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये रिलेशन दिया था, जब मैं x में था और मैंने थोड़ा सा x में dx का चेंज किया, तो उसमें y में इतने का चेंज आएगा, ये इसका मतलब है। दो तीन एग्जाम्पल के बाद समझ में आएगा, दोबारा देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक रिलेशन था, जब मैं x वैल्यू में था तो मैंने x में थोड़ा सा चेंज किया ठीक है ना, x में थोड़ा सा चेंज किया, तो जो y में चेंज आएगा उसको मैं dy कहूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वो 2x इंटू dx होगा जो है ठीक। अब तुम्हें मैं एक होम असाइनमेंट दे रहा हूं, तब तुम्हें समझ में आएगी बात, या कैलकुलेटर है तो यहीं पे देख लेना, तुम्हारे पास कैलकुलेटर रखा हो तो यहीं पे देख लेना बेटा। देखो जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मान लो, x की मैं 2 वैल्यू पे y 2 का स्क्वायर, हाँ देख 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 आ गया कि नहीं आ गया पहले ही बता बेटा, जो है पहले ही बता ये 4 आया कि नहीं आया बता, जो है सिंपल है ना, x की 2 वैल्यू पे y की वैल्यू 4 आ रही है। अब मैंने क्या किया, x में थोड़ा सा चेंज किया, 2.0001 बहुत कम चेंज किया है, ध्यान रखना बेटा जो है 0.0001, तो जो y की वैल्यू होगी वो 2.0001 इसका स्क्वायर होगा, ये बता इसका स्क्वायर होगा या नहीं होगा बेटा, ये बता जो है 2.0001 का स्क्वायर होगा। और इस वैल्यू को मान लो मैं वाई डैश कह देता हूं, लेट वाई डैश, अब मुझे ये बताओ कि जो डी एक्स था वो 0.0001 है या नहीं है बताओ, पहले ही बताओ dx, बताओ x की वैल्यू में जो चेंज है वो 0.0001 है नहीं है बताओ, पहले ही बताओ बेटा जो है x की वैल्यू में। अब ये बताओ dy कितना आ रहा है वहां पे, dy
डी वाई आ रहा है 2.0001 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बताते हुए चलना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा। हाँ ये कह रहा है ये इतना आ रहा है 4.0, इसका मतलब ये आ गया बेटा जो है तेरे हिसाब से ये आ गया 0.0004001। डी वाई इतना आ गया बता, क्लियर है या नहीं बता बेटा जो है। ठीक, लेकिन मैंने पीछे क्या फॉर्मूला दिया था बता जो है, मैंने पीछे फॉर्मूला दिया था डी वाई इक्वल टू 2x into dx दिया था। देख मैंने दिया था डी वाई इक्वल टू 2x into dx दिया था। अब उज्ज्वल जरा कैलकुलेटर से करके रख बेटा, x की जो वैल्यू है वो 2 है और dx की जो वैल्यू है वो 0.0001 है, 0.0001। जरा मल्टीप्लाई करके देखना dy यहां से कितना आ रहा है बता जरा, देख जरा यहां से मल्टीप्लाई करके देख बेटा कितना आ रहा है, 2 into 2 into 0.0001, ये आ गया 0.0004 आ गया। क्यों ये आ गया? अब जरा देखना ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही कि नहीं आ रही, अप्रोक्सीमेटली आती है बेटा, एग्जैक्ट नहीं आती है जो है। अब जरा देखना यहां से और यहां से ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है कि नहीं आ रही, जरा देखो ये वाली देख, ये और ये वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, बस ये है कह रहे। ठीक, तो इसको मैं टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देता हूं, नेक्स्ट टाइम हम यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा क्या चीज होती है जो है, छोटा सा चेंज dx, बड़ा चेंज डेल्टा x। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू, बाय बेटा।